everyone, my name is Pooja and welcome back to my channel. So today I'm going to review a newly launched product. आज का वीडियो होने वाला है एक newly launched product का रिव्यू, जो है एक फेस सीरम, जो है ब्रांड डॉट एंड की। डॉट एंड की सीका काल्मिंग रेंज के बारे में आपको पता होगा। सबसे पहले उन्होंने ना काफी टाइम पहले डॉट एंड की सीका काल्मिंग रिफ्रेशिंग नाइट जेल उन्होंने लॉन्च किया था, उसका रिव्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है। एंड उन्होंने उसके बाद एक फेस क्लींजर भी उन्होंने लॉन्च किया सीका रेंज में। एंड उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया डॉट एंड की सीका नियासिनामाइड सनस्क्रीन। सभी प्रोडक्ट का मैंने डिटेल रिव्यू किया हुआ है अपने चैनल पे। इफ यू वांट टू वॉच तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सभी के वॉच लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। अब उन्होंने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है डॉट एंड की सीका 2% सैलिसिलिक एसिड प्लस जिंक स्किन क्लियरिंग सीरम। दिस इज गुड फॉर एक्ने एंड ऑयल कंट्रोल। एंड ये एक सीका काल्मिंग रेंज है, सीका काल्मिंग रेंज उन्होंने एक रेंज निकाली थी जो बेस्ट थी एक्ने को कंट्रोल करने के लिए, कि स्किन में बहुत ज्यादा ब्लैमिशेस है उसे कंट्रोल करने के लिए। बट ये सीरम ऐसा क्लेम करता है कि दिस इज गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन ऑल्सो एंड इट रिड्यूस योर ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, इस वीडियो को वॉच कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इन द फ्यूचर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक का बटन भी दबाना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी आउटर पैकिंग की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सीका काल्मिंग रेंज डॉट इन की ने जो लॉन्च की थी वो टोटली ग्रीन कलर में की थी। तो बाहर से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड पैकिंग आती है। अंदर से आपको इस तरह का कुछ ग्लास का इस तरह से बॉटल मिलता है विच कम इन ड्रॉपर। तो ये मेरे पास जो है क्वांटिटी 20 ml, मेरे पास जो क्वांटिटी है वो है 20 ml, जिसका MRP है 399 rupees। एंड इट हैज 2% सैलिसिलिक, पेनिट्रेट्स डीप टू जेंटली एक्सफोलिएट एंड रिड्यूस एक्टिव एक्ने। इसके अंदर 2% एक्टिव सैलिसिलिक एसिड है जो हेल्प करेगा आपके एक्ने को कंट्रोल करने में। अगर आपकी स्किन में ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, उसे भी रिड्यूस करने में ये सीरम हेल्प करेगा। एंड दिस सीरम मेक योर स्किन वेरी सूद एंड कंट्रोल योर रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन। आपकी स्किन को सूद रखेगा, आपकी स्किन को जलन से, इचीनेस से बचाएगा। इन्फ्लेमेशन होता है जलन एंड रेडनेस होता है जब आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्टिव एक्ने होते हैं तो उससे रेडनेस आ जाती है। इन सब चीजों को ये फेस सीरम कंट्रोल करेगा। एंड दिस फेस सीरम हेल्प्स कंट्रोल एक्सेस ऑयल फ्रॉम योर फेस वाइल क्लियरिंग ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। जितना भी एक्सेस ऑयल होगा उसे कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। प्लस अगर आपके स्किन में व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं, उस टाइम भी अगर आपके स्किन में बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल बनता है तो उसे कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। And this face serum has a very lightweight texture and very quick absorbing. बहुत जल्द ही आपके स्किन पे एब्जॉर्ब होने वाला है, which is very lightweight. आपको लगेगा ही नहीं कि एक सीरम आप यूज कर रहे हो। एंड इट ट्रीट्स ऑयली एक्ने प्रोन स्किन विद 2 गुना, मतलब 2 हायर एफिकेसी, मतलब 2 गुना इफेक्टिव तरीके से आपकी स्किन को ये प्रोटेक्ट करेगा। फेस सीरम ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि 92% फैट सीरम डर्मकली रिड्यूस एक्टिव एक्ने, मतलब डर्माकोलॉइड टेस्टेड है, तो ऐसा उन्होंने उस टाइम ऐसा फील किया है कि 92% रिड्यूस हुए हैं आपके एक्टिव एक्ने। तो अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है और बहुत ज्यादा एक्ने प्रोन स्किन है, एक्टिव एक्ने होते ही रहते हैं, तो सीका काल्मिंग रेंज आप ट्राई कीजिए डॉट एंड की। उनके अंदर 2% सैलिसिलिक एसिड है, सीका है, जिंक है एंड कैक्टस वाटर। और इस सीरम को आप AM PM दोनों टाइम यूज कर सकते हो। और अगर आप ड्यूरिंग डे टाइम पे यूज कर रहे हो तो आफ्टर यूज दिस सीरम डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सनस्क्रीन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सभी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप ड्यूरिंग डे टाइम पे कोई भी सीरम यूज कर रहे हो, भले वो विटामिन C हो या फिर ये हो या फिर कोई और हो, तो सनस्क्रीन को अवॉइड ना करें। यू हैव टू जस्ट टेक ओनली 2 to 3 ड्रॉप्स अकॉर्डिंग योर स्किन नीड, और उसके बाद आप अपने स्किन पे सर्कुलर मोशन पे मसाज करना है। बट इट इज अ वेरी लाइट वेट गाइस, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा लाइट वेट है। इनकी जो सीका काल्मिंग नाइट जेल आता है वो मैंने बहुत यूज किया है। वो मुझे इतना पसंद है कि जब मुझे कोई एक्टिव एक्ने रहता है या बहुत ज्यादा स्किन सेंसिटिव हो जाती है तो मैं उसे अप्लाई करती हूँ। तो वो भी बहुत ज्यादा लाइट वेट है। और गाइज ये सीरम भी बहुत ज्यादा लाइट वेट है। आपकी जो इन्फ्लेमेशन स्किन है, रेडनेस स्किन है, उसको ये बहुत ही हद तक आराम दिलाएगा। के ओपन पोर्स का इशू है तो अनलॉक पोर्स होते हैं, उसको क्लियर आउट करने में भी ये सीरम हेल्प करेगा। तो जस्ट आपको AM PM ये रूटीन करना है सीरम के साथ। तो जस्ट थोड़ा ड्रॉप लेके अपने फेस पे मसाज कर लें, देन क्विकली एब्जॉर्ब भी हो जाएगा स्किन में। एंड इसके बाद ड्यूरिंग डे टाइम पे मॉइस्चराइजर एंड आफ्टर दैट सनस्क्रीन लगाएं। नाइट में जस्ट नॉर्मली आपको सीरम के बाद एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, दैट्स इट। सो यू कैन यूज दिस फेस सीरम इन डेली बेसिस, बिकॉज डेली बेसिस पे आप जब यूज करोगे तभी आप स्किन में एक डिफरेंस देखोगे। और ये फेस सीरम ऐसा क्लेम भी करता है कि 90% ऑब्जर्व किया गया है कि स्किन में एक क्लैरिटी आई है, बिकॉज सीका एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो एक्ने प्रोन, एक्टिव एक्ने के लिए तो अच्छा माना ही जाता है, स्किन को ये क्लियर करने में भी हेल्प करता है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर है जिनके बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आते रहते हैं किसी किसी वीडियोज पे। मोस्ट ऑफ द मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि उनकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, सेंसिटिव है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी गाइज ये सीरम एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। बिकॉज मैंने इसको 2 से 3 दिन रेगुलर बेस पे यूज किया है देखने के लिए कि मेरी स्किन पे कोई ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, बिकॉज मुझे एक छोटा सा पिंपल जरूर निकला था, बिकॉज मैं डेली बेसिस पे जो शूट करती हूँ तो मेकअप लगाती हूँ फिर उतारती हूँ तो उससे ब्रेकआउट मुझको हो जाता है। तब जब मैंने ये सीरम यूज किया था गाइज रिटली ये मेरी स्किन पे अच्छे से वर्क किया था, नो ब्रेकआउट, इवन स्किन को बहुत अच्छे से सूद, काम एंड बहुत ज्यादा अच्छे से स्किन को ये रिफ्रेश रखता है। तो आप भी इस फेस सीरम को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगेगा। तो आप एक टोटली लंबा सा स्किन केयर रूटीन बना सकते हो, बिकॉज इसका एक फेस वॉश भी आता है सीका काल्मिंग रेंज में, एंड सीरम तो है, इसमें टोनर भी आता है जिसका रिव्यू मैंने नहीं किया है। मेरे चैनल पे आपको मिलेगा सीका काल्मिंग नाइट जेल का रिव्यू, सीका रेंज का फेस वॉश एंड सीका नियासिनमाइड सनस्क्रीन का। टोनर का मैंने रिव्यू नहीं किया है, बट आप इन सब प्रोडक्ट को ऐड करके एक टोटली स्किन केयर रूटीन बना सकते हो। इस सीरम के फ्रेग्रेंस की बात करें तो इस पे ऐसा क्लेम तो नहीं किया है, ऐसा मेंशन भी नहीं है, बट मुझे इस फेस सीरम में किसी भी तरह का कोई फ्रेग्रेंस नहीं आया है। आई थिंक ये टोटली फ्रेग्रेंस फ्री है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं इसको अप्लाई करने के बाद स्किन में आपको एक एक्टिव एक्ने और आपको स्किन एक क्लियर भी होती नजर आएगी, बट ये एक ग्लो सीरम भी मुझे लगा, बिकॉज आफ्टर यूज दिस फेस सीरम स्किन एक अच्छे से काम हो जाती है, सूद हो जाती है एंड रिलैक्स मिलता है आपके एक्ने को, बट एट द सेम टाइम आपकी स्किन ग्लो भी करती है। था रिव्यू newlylaunch.in की सीका 2% सालिसिलिक एसिड ऑयल कंट्रोल फेस सीरम का रिव्यू। होप आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज रिगार्डिंग दिस सीरम या फिर कोई स्किन कंसर्न हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आई एम वेरी एक्टिव, वहां पे भी डीएम करके मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। बहुत सारे न्यू लॉन्चेस आने वाले हैं और बहुत सारे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अच्छे वीडियो आने वाले जिसपे मैं खूब सारा वर्क कर रही हूँ। तो चलिए गाइस इस वीडियो वहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।